दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में फिर से मैं वापस आई हूँ कुछ मजेदार टेक अपडेट्स लेके, जहाँ पर एक तरफ पोको X2 आ गई है, इंडिया में लॉन्च हो चुकी है ये फोन बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग में। 15,999 की प्राइसिंग है, 6GB रैम के साथ 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज वेरियंट आपको मिलेगा। तो प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है, आगे देखते हैं क्या क्या और चीजें मिलता है पोको X2 में, इस बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर रियलमी टीवी दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च होगी इंडिया में। तो ऐसे ही कुछ मजेदार टेक अपडेट्स लेके शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। पर वीडियो पे बनने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको मिल जाएगा रेड सब्सक्राइब बटन और उसी के पास बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब दोस्तों आज की इस टेक अपडेट की सीरीज को स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज से। और ये आपको भी जाननी चाहिए कि कोरोना वायरस जो है जो स्टार्ट हुई है चाइना से, इसे लेकर बहुत सारी ईमेल्स आ रही है, फेक ईमेल्स। और उन फेक ईमेल्स में आपको एक PDF लिंक मिल रहा है, जो मैसेज है ईमेल में वो है कि आपके एरिया में कोरोना वायरस फैल चुकी है, जिस बारे में सेफ्टी मेजर्स कह के एक PDF वहाँ पर मेल्स में आ रही है। उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये जो हैकर्स है वो आपके मोबाइल में कुछ मैलवेयर दे देगा या फिर कोई फॉल्टी सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा, जिसके बाद आपकी जो पर्सनल एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। बैंक डिटेल्स हो या फिर आपके खुद की कोई पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ लीक होने की चांसेस है। तो इस तरह की कोरोना वायरस रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स कह के कोई मेल अगर आपके पास आता है तो उन मेल से बच के रहिए। अब दोस्तों UFS 2.1 स्टोरेज तो हमने देखी है, पर अभी UFS 3.1 स्टोरेज अनाउंस की गई है, जिसमें आपको मिलेगा इम्प्रूव्ड स्पीड एंड पावर एफिशिएंसी। यानी कि अगर अपकमिंग फोन्स में आपको मिलता है UFS 3.1 स्टोरेज तो उन फोन्स में होगी बेटर स्पीड के साथ साथ बेटर बैटरी कंजम्पशन भी। अभी हर एक फोन में होती है 5000mAh की बैटरी और हमें अभी भी बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप मिलती है, लेकिन विद UFS 3.1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ी सी बेटर बैटरी एफिशिएंसी। अब दोस्तों MediaTek ने अनाउंस कर दी है MediaTek Helio G80 चिपसेट, और ये जो चिपसेट है ये है फॉर मिड रेंज एंड बजट स्मार्टफोन्स। यानी कि मिड रेंज या फिर बजट स्मार्टफोन्स में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो ये चिपसेट अगर होगी तो गेमिंग भी इवन इन मिड रेंज स्मार्टफोन या फिर बजट स्मार्टफोन आप बहुत ही बढ़िया कर पाओगे। ये जो चिपसेट अनाउंस हुई है MediaTek Helio G80, ये एक ऑक्टाकोर चिपसेट है और ये आई है हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी के साथ। और ये चिपसेट MediaTek की Helio G70 सीरीज की एक एनहांस्ड वर्शन है। इसमें डुअल ARM Cortex A75 एंड हेक्सा Cortex A55 CPU और ये बेस्ड है 12 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे। लाइक G70, इसमें भी कोई डेडिकेटेड APU नहीं है जो कि G90 सीरीज में मिलता है। तो इस चिपसेट में बेटर 4G कनेक्टिविटी होगा, AI बेटर मिलेगा आपको और उसी के साथ जो GPU फ्रिक्वेंसी है वो भी बेटर होगा इन MediaTek Helio G80। और फिर यही नहीं, पर यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक निकल के आई है कि जो Realme 6 होगी उसमें आपको मिल जाएगा MediaTek की Helio G80 चिपसेट। बाकी आपको क्या लगता है, क्या होगी Realme 6 में MediaTek की Helio G80 चिपसेट, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं Vivo पे, और Vivo भी बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करेगी इसकी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। 91 मोबाइल्स ने एक इमेज सर्फेस की है, तो कुछ इस तरह की होगी Vivo की अपकमिंग ईयरबड्स और ये लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में अलॉन्ग विद Vivo V19। यानी कि जो रूमर आई है Vivo V19 के बारे में कि ये फोन लॉन्च होगी इन मार्च, इसी के साथ लॉन्च होगी Vivo की नई वायरलेस ईयरबड्स। और Vivo की जो V19 एंड V19 Pro है इसकी प्री बुकिंग अगर आप करना चाहते हो तो फरवरी की एंड में इसकी प्री बुकिंग चालू हो जाएगी। ये फोन आएगी इंडिया में इन मार्च और ज्यादातर चांसेस है कि जो IPL 2020 है उससे पहले ये फोन लॉन्च हो जाएगी। प्राइसिंग इन फोन्स की हो सकती है 20,000 से 30,000 के बीच। अब दोस्तों याद है Max Pro M1 एंड Max Pro M2, अब Max Pro M3 नहीं आ रही है, इतनी भी खुशखबरी नहीं है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक Max Pro M1 यूजर हो या फिर एक Max Pro M2 यूजर हो और इसे अभी आप बेचना चाहते हो, यानी कि आप बोर हो गए हो इन फोन से, यहाँ पर आपको रुकनी चाहिए क्योंकि Android 10 की अपडेट बहुत ही जल्द आएगा इन फोन्स में। XJ डेवलपर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर ASUS काम कर रही है, ASUS टेस्ट कर रही है एक Android 10 बीटा वर्शन Max Pro सीरीज के लिए। पर यहाँ पर Max Pro M3 कब आएगी इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी अपडेट्स नहीं है। कुछ दिनों पहले कुछ लीक्स वगैरह आउट हुई थी, वीडियो भी मैंने बनाई थी, अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उसकी लिंक। पर ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन अभी भी नहीं है।
अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है अबाउट टिकटॉक, और टिकटॉक ने यहाँ पे कमाल कर दिया है। यहाँ पर इससे आप एक गुड न्यूज भी कह सकते हो या फिर ये हो सकती है एक बैड न्यूज। टिकटॉक ने यहाँ पर फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, टिकटॉक हो गई है सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन। और टिकटॉक पे इंडिया की एक ट्रेंड हमेशा चलती रहती है, और यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियंस ने टिकटॉक पे स्पेंड किया है 5.5 बिलियन आवर्स। और इसके जो एक्टिव यूजर बेस है, यानी कि जो एक्टिवली टिकटॉक वीडियोस देखते हैं या फिर वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो इंक्रीज हुई है 90% तक इन 2019। 740 मिलियन डाउनलोड्स हुई है 2019 में। वैसे अभी बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट भी मिलती है टिकटॉक पे, और हमारी भी एक अकाउंट है, उसे अगर आप चेक करना चाहते हो तो मिल जाएगा उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बिल्कुल चेक कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आप यूज करते हो टिकटॉक या फिर आपने डाउनलोड किया टिकटॉक को फोन में। ऊपर पोल है, वहां पे जाके जरूर वोट कीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है वन प्लस की तरफ से, और गलती से ये लिस्ट हो गई है अमेजोन की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की पेज पे, वन प्लस 8 एंड वन प्लस 8 प्रो। पर रिपोर्ट जो यहाँ पे आई थी कि वन प्लस की जो 8 सीरीज होगी उसमें होगी 3 स्मार्टफोन्स, वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो एंड वन प्लस 8 लाइट। पर जो लिस्टिंग आई है गलती से ही, पर जो लिस्टिंग आई है उसमें वन प्लस 8 लाइट की कोई भी नाम नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी जो लाइट वेरियंट है वो बाद में लॉन्च हो, पर वन प्लस 8 एंड 8 प्रो तो बहुत ही जल्दी आएगी इंडिया में। एक्टिव स्टार मुकुल शर्मा ने यहाँ पर उसकी एक स्क्रीनशॉट शेयर की है, जिसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि दो ही फोन लिस्टेड है, वन प्लस 8 एंड वन प्लस 8 प्रो। तो अभी देखते हैं कि कब लॉन्च होती है इंडिया में। लिस्टिंग पे आ गई है तो जल्दी तो लॉन्च होने की चांसेस है, पर 8 लाइट बाद में आएगी। अब दोस्तों सबसे धमाकेदार स्मार्टफोन राइट नाउ कौन सी है? पोको X2। जी हाँ दोस्तों, पोको X2 लॉन्च हो गई है इंडिया में। प्राइसिंग है 15,999। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, काफी सारी लीक्स और रूमर्स थी कि इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 18,000-18,000। पर फिर से पोको ने यहाँ पे कमाल कर दिया है 16,000 की प्राइसिंग में। यह रीब्रांडेड वर्जन ऑफ रेडमी K30, और उसी सेम प्राइसिंग में, चाइना की प्राइसिंग में ये लॉन्च हुई है इंडिया में। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G, 120Hz की डिस्प्ले, बेस वेरिएंट मिलता है आपको 6GB 64GB की, प्राइसिंग है 15,999। और एक वेरिएंट आपको मिलता है जिसमें 6GB ऑफ रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, प्राइस्ड एट 16,999। और लास्ट वेरिएंट है 8GB रैम के साथ, 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, प्राइस्ड एट 19,999। तो प्राइसिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी रखी है इस बार। और यहाँ पर अगर आपके पास है ICICI बैंक की डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 1000 रुपीज ऑफ। शायद ये फोन ना हो पोको F1 की सक्सेसर, पर उसके बाद भी पोको F1 की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर इन्होंने डिजाइन को काफी इम्प्रूव की है पोको X2 में। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिलता है बोथ इन फ्रंट एंड रियर पैनल, 6.67 इंचेस की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, 120Hz की रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिलता है, और फोन की एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। फोन बेस्ड है MIUI 11 पे, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर, सोनी IMX686 दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है। उसी के साथ ही 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड मैक्रो लेंस, और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। इसमें है ड्यूल फ्रंट कैमरास, एक है 20 मेगापिक्सल की, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर के साथ। तो जो प्राइसिंग है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और ऊपर पोल भी है वहाँ पे वोट देके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये फोन है बेस्ट इन बजट या नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रियलमी पे, और रियलमी की तरफ से यहाँ पर है खुशखबरी। तो रियलमी बहुत ही जल्द आ रही है यहाँ पे रियलमी TV, और ये अनाउंस हो सकते हैं MWC 2020 में। तो यहाँ पर ये जो न्यूज है ये खुद आई है रियलमी की CMO से, और इन्होंने ट्विटर पे एक यूजर की कमेंट पे रिप्लाई की है ये कहकर कि आप बहुत ही जल्दी कुछ एक्साइटिंग देखोगे रियलमी टीवी के बारे में इन MWC। तो यहाँ पर रियलमी टीवी के बारे में कुछ तो जरूर अनाउंसमेंट होगी MWC में, और इसी के साथ ये लॉन्च हो सकती है सबसे पहले इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने जो हैशटैग यहाँ पे यूज की है वो है रियलमी फॉर एवरी इंडियन। तो इसके हिसाब से यहाँ पर काफी एक हिंट इन्होंने छोड़ दिया है कि जो रियलमी टीवी है ये फर्स्टली लॉन्च होगी भारत में। आपको क्या लगता है कितनी प्राइसिंग में आ सकती है रियलमी टीवी, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब दोस्तों रियलमी की अगर बात हो रही है तो रेडमी भी पीछे नहीं है, और रेडमी की जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर पे रेडमी इंडिया,
यहाँ पर एक टीजर आ चुकी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई। यहाँ पर Redmi 9 सीरीज की कोई स्मार्टफोन आने की चांसेस है, स्ट्रॉन्ग लीक्स है कि आएगी Redmi 9, पर ये हो सकती है Redmi Note 9 सीरीज भी, जो यहाँ पे एक टीजर आई है मोर पावर टू Redmi कहकर। और मनु कुमार जैन की जो रिसेंट ट्वीट है उससे भी अगर आप फॉलो करते हो तो काफी हिंट है कि बहुत ही जल्द कोई बेहतरीन स्मार्टफोन आने वाली है Redmi की तरफ से। और लीक्स एंड रूमर्स को ही अगर फॉलो की जाए तो यहाँ पर चांसेस है कि Redmi 9 सीरीज यहाँ पे बहुत ही जल्दी लॉन्च होगी, उसकी है ये टीजर, क्योंकि Realme C3 यहाँ पे लॉन्च हो रही है, उसके कंपटीटर है Redmi 9, तो बहुत ही जल्द लॉन्च होगी यहाँ पे। और उसके साथ यहाँ पे एक जो र्यूमर है जो चिपसेट होगी Redmi 9 में वो हो सकती है MediaTek की Helio G70। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं कि किस फोन की टीजर है ये। बाकी आपको क्या लगता है नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी आप रिचार्ज कर सकते हो किसी भी मोबाइल फोन को, अगर आप एक प्रीपेड यूजर हो, डायरेक्टली गूगल की सर्च से। ऐसी एक खबर आई है कि अभी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज या फिर सिम रिचार्ज, तो डायरेक्टली वहां से ही आप रिचार्ज कर पाओगे किसी भी फोन को। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, BSNL, इन कनेक्शन की अगर आप एक प्रीपेड यूजर हो तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके यहाँ पे आपको अमाउंट देनी होगी कि कितनी अमाउंट की रिचार्ज आप करना चाहते हो। और पेमेंट के लिए यहाँ पे सपोर्टेड है गूगल पे, यानी कि जी पे, मोबीक्विक, पेटीएम, तो इनसे आप पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों iQOO की तरफ से है नेक्स्ट अपडेट, और iQOO बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगी इनकी 5G स्मार्टफोन्स इन इंडिया। यहाँ पर एक फोटो सरफेस हुई है जहाँ पर विराट कोहली के हाथ में आप देख सकते हो एक स्मार्टफोन, पर ये जो फोन है ये है iQOO स्मार्टफोन जो बहुत ही जल्द लॉन्च होगी, और बिल्ड क्वालिटी काफी स्टडी यहाँ पे दिखती है। और iQOO की जो 5G प्रीमियम स्मार्टफोन है इसकी चिपसेट होगी Snapdragon 865, जो है इंडिया में फर्स्ट स्मार्टफोन जिसमें आपको मिलेगा 5G कनेक्टिविटी के साथ Snapdragon 865। काफी प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन है, देखते हैं कि आगे कैसी प्राइसिंग होती है इन स्मार्टफोन की। वैसे आपको क्या लगता है किस प्राइसिंग में ये आनी चाहिए भारत में, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। यहाँ पे अपडेट है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग की ये जो क्लैमशेल टाइप फोन है Galaxy Z Flip, ये लीक हो चुकी है ट्विटर पे। एक यूजर है बेन गेस्किन, इन्होंने एक वीडियो को सरफेस की है जहाँ पर आप देख सकते हो Z Flip की फर्स्ट लुक, बहुत ही बढ़िया दिखने वाली क्लैमशेल वर्टिकल फोल्डेबल फोन है ये। और जब आप इसे फोल्ड करोगे तो कैमरे के पास आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दिख जाएगा, लुक्स वगैरह बहुत ही अच्छी है। देखते हैं कि किस प्राइसिंग पे ये आता है इंडिया में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ी सी अपडेट है आईफोन के बारे में, और आईफोन 12 की जो डिजाइन है वो हो गई है लीक। एक हैंड्स ऑन वीडियो में इसकी लीक आई है जिसमें आप स्पॉट कर पाओगे 3 नई मॉडल्स, और ये जो वीडियो यहाँ पे आई है हैंड्स ऑन की उससे हमें ये पता चलती है कि आईफोन 12 की डिस्प्ले डिजाइन होगी सिमिलर टू आईफोन 11। यहाँ पे राउंडेड एजेस नहीं होगी, फ्लैट मेटल एजेस यहाँ पे होगी अपकमिंग आईफोन 12 में अकॉर्डिंग टू द वीडियो। और आईफोन की 12 सीरीज में होगी 3 फोन्स, एक में होगी 5.4 इंचेस की डिस्प्ले, दूसरे में होगी 5.9 इंचेस की डिस्प्ले, और जो तीसरी स्मार्टफोन होगी उसमें होगी 6.4 इंचेस की स्क्रीन। और दोस्तों इसी के साथ आते हैं वीडियो की आखिर में, यही थी कुछ मजेदार टेक अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।